जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो देखिए क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत आपको देने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, लैपटॉप वितरण की तारीख यहाँ पे घोषित हो चुकी है दोस्तों। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे देंगे, कैसे आपको लैपटॉप योजना में आवेदन करना है, किस टाइप से आपको यहाँ पे लैपटॉप प्राप्त करना है, क्या कागजी प्रक्रिया है, कहाँ पे आवेदन करना है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सेकंड दोस्तों, जो आपकी आवास योजना चल रही थी उसमें आवेदन देखिए स्टार्ट हो गए हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, कहां पे आवेदन करना है, पूरी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और दोस्तों तीसरी जो योजना है, जो आपके आधार कार्ड पे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और वो भी 2 मिनट में आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। वीडियो को जरा सा भी पार्ट आप यदि स्किप कर दोगे तो आप यहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट दोस्तों जानकारी लेने में चूक कर दोगे और आप इन योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली योजना चल रही है उसकी कंप्लीट जानकारी देखते हैं। देखिए लैपटॉप वितरण की तारीख यहाँ पे घोषित हो चुकी है, तो कैसे आपको लैपटॉप लेना है चलिए उस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोदी सरकार ने यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की है जिसके अंतर्गत देखिए सभी पढ़ने वाले बच्चे जो यहाँ पे अच्छे मार्क के साथ में अच्छे दोस्तों परसेंटेज के साथ में पास हुए उत्तीर्ण हुए उनके लिए यहाँ पे लैपटॉप देने का वादा किया गया है। देखिए 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है कम्प्लीट यहाँ पे नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और देखिए वीडियो को लाइक करके परमिशन देनी है कि हम आपका नाम दोस्तों लिस्ट में डाल के आगे बढ़ा सकें और आपको लैपटॉप योजना में लाभ दिलवा सकें। अब देखिए बात करेंगे कैसे आपको यहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके आवेदन करना है। तो दोस्तों सीएससी सेंटर पे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ देखिए आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो या आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र हो दोस्तों, वह भी यहाँ पे वैलिड है, वह भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपने दोस्तों लास्ट में अपनी क्लास उत्तीर्ण की है, कक्षा उत्तीर्ण की है दोस्तों, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करा के और इन सभी को साथ में दोस्तों ऐड करके फाइल बना के दोस्तों, और उसके साथ में आपको अपना आय प्रमाण पत्र और लगा देना है और नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके यहाँ पर लैपटॉप योजना के अंतर्गत आपको आवेदन कर देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो यह बिल्कुल फ्री आप आवेदन करोगे सीएससी सेंटर पर जाके। अब देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम वगैरह ये सभी, आपने कौन सी क्लास उत्तीर्ण की है, कितनी परसेंटेज है, ये जानकारी हमें ज़रूर दें जिससे कि हम आपको यहाँ पे लाभ दिलवा सकें सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हम जो लोगों को यहाँ पे लिस्टेड करके भेजते हैं उनको यहाँ पे लाभ मिल चुका है, काफ़ी लाखों लोग दोस्तों यहाँ से लाभ ले चुके हैं, तो आप भी ज़रूर लाभ लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दीजिए कि हम आपकी यहाँ पे जानकारी आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बिना लाइक किए दोस्तों हम आपकी जानकारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमको ये देखिए इतनी परमिशन नहीं है, आप जब परमिशन दोगे तब हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे जो आपकी सेकंड योजना चल रही है वो है आपकी आवास योजना। आवास योजना दोस्तों जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तो केंद्र सरकार यहां पे उनके लिए घर प्रदान कर रही है, घर दे रही है दोस्तों, आवास दे रही है। तो वह किस टाइप से दे रही है, कैसे आप ले सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। जिनको इसकी नीड है, इनकी आवश्यकता है, वह इसे जरूर और कंप्लीट वीडियो देखें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप उनसे मिस ना हो। अब देखिए क्या इसकी कागजी प्रक्रिया है, तो सबसे पहले हम कागजी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास इस आवास योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ में दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड होना चाहिए। अब इन दो चीज़ों के बाद दोस्तों आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र में आपको देखिए कम से कम इनकम रखवानी है इस योजना का लाभ लेने के लिए, क्योंकि यह योजना गरीब लोगों के लिए चलाई गई है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो जो भी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं यानी आय प्रमाण पत्र बनवाएं उसमें कम से कम अपनी आय रखवाने की कोशिश करें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राम प्रधान है या कॉलोनी प्रधान है उससे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, यदि उनसे कॉन्टैक्ट आपका नहीं है तो उसके बिना भी आप कैसे आवेदन करोगे यह भी हम बताएंगे दोस्तों। यदि आपका अपने ग्राम प्रधान या कॉलोनी प्रधान से आपका कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आवास योजना से रिलेटेड होगा, वह फॉर्म भर के दोस्तों आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट सारे दे दें। यदि आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, अच्छा संपर्क नहीं है, तो फिर आप कैसे आवास योजना में जो लाभ उठाओगे। तो दोस्तों फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जाना है आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे, और सीएससी सेंटर पे भी वो फॉर्म आपको मिल जाएगा जो आपको अपने ग्राम प्रधान या यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आपको अपने कॉलोनी प्रधान के पास मिलेगा, वही फॉर्म
आपको CSE सेंटर पे मिल जाएगा। वह फॉर्म भर के दोस्तों आपको यहाँ पे जमा कर देना है और उसके साथ में देखिए आपको अपने सरकारी बैंक का एक खाता जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच हो दोस्तों वह खाता जरूर लगा देना है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पे आपको सीधे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनसे आप अपना आवास बनवा सकते हो। अब ये सारी जानकारी दोस्तों आपको कंप्लीट मिल चुकी है, इसी टाइप से आपको आवेदन कर देना है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम जरूर बताएं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जब नाम बताओगे और दोस्तों अपने जिले अपने राज्य का नाम बताओगे तो हम आपके नाम और ये सारी डिटेल्स को दोस्तों यहाँ पे अपने लिस्ट में डाल के आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहले लाखों लोग यहाँ से लाभ उठा चुके हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी यहाँ से लाभ उठाइए। अब देखिए बात करेंगे अगली योजना की, जो आपको आधार कार्ड पे दोस्तों 10 लाख रुपये मिल रहे हैं और वो भी आप 2 सेकंड में यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है, कि आपकी कागजी प्रक्रिया है, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों आधार कार्ड पे यदि आप 10 लाख रुपये लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, यह पैसे आपको 5 साल के लिए मिलेंगे। उसके बाद में देखिए क्या प्रक्रिया है, उसकी भी हम कंप्लीट चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। और दोस्तों इन पैसों पे आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कागजी प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों आपकी। तो देखिए आधार कार्ड पे जैसा कि आपको ये लोन मिल रहा है, तो सबसे पहले आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, देन उसके बाद में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और पैन कार्ड के साथ साथ आपके पास देखिए वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो आप किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसका आइडेंटिटी कार्ड हो, या यदि आप किसी कंपनी किसी कार्यालय में काम करते हैं दोस्तों तो वहां का आपके पास पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र और होना चाहिए, जिसमें उसकी आपकी जो सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लाख रुपए हो 3 लाख रुपए से कम हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनकी इनकम 3 लाख है उनको ही इस योजना का लाभ मिल रहा, नहीं। यदि आपकी इनकम मान लीजिए 10,000-20,000 तो भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो और लगा देने हैं। अब देखिए आप जो भी बिजनेस जो भी आपका अपना जो कार्य स्टार्ट करने वाले हैं इन 10 लाख रुपए से दोस्तों, जो भी बिजनेस जो भी अपना काम आप स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या करना है, उसको दोस्तों आपको एक प्रारूप बना लेना है, एक दोस्तों उसका डायग्राम बना लेना है जिसमें उसकी कंप्लीट जानकारी लिखी हो कि आप यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ से मशीनरी ले रहे हैं, यहाँ पे आप अपना बिजनेस जो है उसकी लोकेशन क्या रहेगी, ये कंप्लीट जानकारी दोस्तों वहाँ पे होनी चाहिए। और ये सभी डिटेल्स एक फाइल में क्रिएट कर देनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसी फाइल में डाल देने हैं आपको। अब फिर जाना है दोस्तों आपको अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी बैंक में। अब देखिए वहाँ सरकारी बैंक में जाके आपको वहाँ बात करनी है कि आपको प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना जो चल रही है जिसमें आपको 2 लाख रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा है दोस्तों विदाउट इंटरेस्ट, वहाँ पे जाके उस योजना में आपको लाभ लेना है। तो वहाँ पे जाके अपने ब्रांच मैनेजर जो भी आपके पास नज़दीकी बैंक है, सरकारी बैंक होनी चाहिए वो, तो वहाँ पे दोस्तों अपने नज़दीकी ब्रांच मैनेजर के पास में पहुँच जाना है। तो वहाँ से दोस्तों आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वह वहाँ पे आपका लोन सेंक्शन कर देंगे। यदि वह लोन सेंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, तो आप उनसे यही कहिएगा कि आप हमें लिख के दे दीजिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, आप हमारा लोन सेंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, वह आपसे मना नहीं कर सकते। यदि आप इस बात को दोस्तों उनको यहाँ पर समझा रहे हैं अच्छे तरीके से कि आपको यह लोन सेंक्शन करना पड़ेगा, आपको यह बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, तो वह लोन आपका 100% सेंक्शन करेंगे, आपको वह लोन देंगे। बता दें दोस्तों आपको सुनने में एकदम अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ तक का लोन यहाँ पे दोस्तों सेंक्शन करने की अनुमति कर रखी है। यदि आपका बिजनेस जो प्लान अच्छा है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक आपको मिल रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ग्रामीण एरिया में बैंक वाले करने के लिए यहाँ पे एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आपको उनका जो बिजनेस प्लान है उनको आपको अच्छे से समझा देना है, अपना बिजनेस प्लान दोस्तों पहले से ही बना के रखें, जिससे उनको समझाने में आसानी हो जाए, और पूरा जो प्रारूप आपने बताया बनाया है वहाँ पे वह आपको वहाँ पे बता देना है।
तो दोस्तों कुछ ही दिनों में समथिंग एक महीने के समथिंग आपको यहाँ पे लग जाएगा और यह सेंशन आपका दोस्तों दो दिनों के अंदर हो जाएगा, लेकिन लोन पास होने में आपको पैसे मिलने में एक महीने के समथिंग लग जाता है। तो यह योजना का फ़ायदा उठाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे दोस्तों आपको इस योजना का लाभ हम सबसे पहले दिलवा सकें। और देखिए वीडियो को लाइक करके परमिशन दें, जिससे हम आपकी लिस्ट आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों यही थी जानकारी, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए 2 करोड़ रुपए की जो लोन है उसके बारे में लेके आएंगे। उसमें थोड़ी प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन उसका पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे, वो भी लाइव सुनवाएंगे हम यहाँ पे, जो उनके फाउंडर हैं, इस लोन के जो फाउंडर हैं दोस्तों, उनसे दोस्तों हम यहाँ पे लाइव सुनवाने वाले हैं आपको। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जिनको भी नाम अपना आगे भिजवाना है वो इस वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।